हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8। सो द स्टेटमेंट इज व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल की पॉसिबिलिटी कितनी है, और बी पार्ट है इसका व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में सबसे छोटा पॉलीगन जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को यहाँ पर लेट करते हैं। कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ साइड्स एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC आप देख रहे हैं फिगर में, इसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन। तो एक्सटीरियर एंगल जो है तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, 360 अपॉन n, n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स है यहाँ पर 3। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड 3, 360 अपॉन 3 120 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा 120 डिग्री। तो मैक्सिमम पॉसिबल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर अ पॉलीगन इज 120 डिग्री। ये हो गया इसके बी पार्ट का आंसर। अगर एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल बाय लीनियर पेयर हम फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि लीनियर पेयर में दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 120 है फिगर में आप देख रहे हैं, एंगल ABD 120 डिग्री हम ले चुके हैं, यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल मैक्सिमम मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली गई जो कि मिनिमम लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ साइड्स के साथ है, तीन साइड वाली रेगुलर पॉलीगन, सबसे कम साइड वाली रेगुलर पॉलीगन है। तो एक्सटीरियर एंगल आएगा इसका 120 डिग्री और इंटीरियर एंगल आएगा 60 डिग्री, जो कि मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन है 60 डिग्री, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री।